फ्रेंड्स, इंडिगो की एक फ्लाइट जो कि कोलकाता को वियतनाम से जोड़ेगी, उसकी उड़ान शुरू हो गई है। इस फ्लाइट की सर्विस 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये इंडिगो की पहली डायरेक्ट फ्लाइट होगी हनोई के लिए। इसके साथ ही इंडिगो ने अपना 19 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और 75 ओवरऑल डेस्टिनेशन को भी पूरा कर लिया है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करें तो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और म्यांमार को जोड़ने के बाद अब वियतनाम को भी अपने 5वें साउथ एशियन कंट्री के रूप में इंडिगो ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इंडिगो के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विलियम वॉल्टर का कहना है कि हमें इस नई फ्लाइट सेवा से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इससे हम इंडिगो के सक्सेस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विलियम वॉल्टर का ये भी मानना है कि वह इंडिगो के इस ग्रोथ को जारी रखते हुए आगे भी ऐसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ान शुरू करने वाले हैं जो कि बिजनेसमैन और ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन को ध्यान में रखकर शुरू किए जाएंगे। इंडिगो की ये फ्लाइट कोलकाता से हनोई के लिए डेली 12:40 पर उड़ान भरेगी और 4:55 पर हनोई पहुंच जाएगी और वहां पर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद दोबारा हनोई से 5:55 पर कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी और 7:20 पर कोलकाता पहुंच जाएगी। इस फ्लाइट की स्टार्टिंग फेयर अभी ₹10,000 रखा गया है। आपको बता दें कि इंडिगो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी के रूप में खड़ी हो रही है जो कि लो कॉस्ट फेयर के ऊपर काम करती है। इंडिगो के फ्लीट साइज में 200 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि डेली की 1400 से ज़्यादा उड़ानें भरते हैं। ये एयरलाइन 7 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 22 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को जोड़ने का काम करती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट एयरलाइन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल इंडियन एयरलाइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।